नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, दिवाली से पहले मिल सकता है शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि का लाभ। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के अलावा उनके मूल विद्यालय में वापसी, आकस्मिक अवकाश और मेडिकल सुविधा जैसी अन्य कई लाभ मिल सकते हैं। इसके बारे में जो अपडेट है आगे वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं कि आखिर शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि का लाभ कब तक मिलेगा और इसके अलावा अन्य क्या क्या लाभ मिलेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस अपडेट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ मिलेगा एक और तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मित्रों की मांगों में मानदेय वृद्धि, मूल जनपद में वापसी, आकस्मिक अवकाश बढ़ाना और मेडिकल सुविधा शामिल है। सरकार जल्द ही इस पर बैठक करेगी और विधानसभा उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की मांगें पूरी हो सकती हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश के प्रसिद्धीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षा मित्रों की मांगें पूरी करने को सरकार गंभीर। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर योगी ने भाजपा के विधान परिषद सदस्यों श्रीचंद शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज और सुरेंद्र चौधरी के साथ बैठक कर शिक्षा मित्रों की मांगों पर चर्चा की। मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ शिक्षा मित्रों को मूल जनपद वापसी का उपहार दिया जा सकता है। इसी के साथ ही आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10,000 रुपये प्रति मिल रहा है मानदेय, 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। योगी ने कहा है कि जल्द बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ इस पर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और महामंत्री सुनील यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण को लेकर के पूरी तरह गंभीर हैं। अभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मासिक मानदेय दिया जा रहा है और अब इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहीं ऐसी महिला शिक्षा मित्र हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल से मायके जाने के लिए जिले के प्राइमरी स्कूल में नौकरी करने आती हैं, उनके भी मूल जनपद में वापसी की मांग की जा रही है। ऐसे करीब 30,000 शिक्षा मित्र हैं। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश को 11 से बढ़ा करके 14 किए जाने और मेडिकल की सुविधा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने लोक भवन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से भी मुलाकात की। फिलहाल सरकार शिक्षा मित्रों की मांग को पूरी गंभीरता से ले रही है। विधानसभा उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की मांगें पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी और अन्य लाभों के लिए गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए जल्द ही बैठक करी जाएगी और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी और उनके मूल जनपद में वापसी और यहाँ उनके आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनको इसका लाभ दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें।